नमस्कार दोस्तों मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज एंड फार्मिंग में आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे सुरक्षित होंगे तो होली के पावन पर्व पे 20 प्लस दूध की शानदार जो भैंसे हैं वो आज आप सब पशुपालक भाइयों को दिखाएंगे और मुर्रा का गढ़ कहे जाने वाले डिस्ट्रिक्ट रोहतक का लास्ट गांव है भैनी भैरव विजय सिंह डेयरी फार्म पे आए हैं एक वीडियो मैं हमने पहले भी कवर करी थी सोशल मीडिया के एक्टिव चेहरे सुनील भाई हैं यहाँ पे देखें अपने जो सुपुत्र हैं उनके साथ में खड़े हुए हैं काफी अच्छा कामकाज काफी बेहतरीन सिलेक्शन हाइट से लेकर के कद काठी पीठ पुठा बहुत मायने रखता है इस तरह की भैंसे मेरे हिसाब से शायद ही कहीं पे आपको देखने को मिले एक से बढ़कर के एक मुर्रा के जो बेजोड़ पशुधन है वीडियो के माध्यम से वो आज आप सब पशुपालक भाइयों को दिखाएंगे तो सीधा लेकर नमस्कार सुनील सर भैया कैसे हो जी ठीक है कितनी भैंसे आज दिखाओगे नौ भैंसे नौ भैंसे किस किस तरह की हैं? ताजा ब्याई हुई हैं, ब्याने वाले हैं ताजा ब्याई है ठीक है सात का दिन सात पशुधन ज्ञापन है ठीक है ब्यात कौन सा कौन सा रहेगा सर ब्यात है तीसरे तक है तीसरे ब्यात तक ठीक है शुरू करेंगे वहीं से बताएं क्या कुछ डिटेल्स है खोल के खरीद बेच के काम काज में काफ़ी बेहतरीन जो पशुधन है दो भैंसे ताज़ा ब्याई हुई हैं और बाकी छः से सात भैंसे आपको ग्याबिन भैंसे दिखाएंगे जो प्रेगनेंट हैं नियर टू काविंग नियर टू डिलीवरी और काफी भारी भरकम पहलवानों के जैसा शरीर आप इधर आ जाओ सुनील सर वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बताएं सर क्या कुछ डिटेल्स है ये तीसरी बार बच्चा दे बहुत बढ़िया और ये 19-20 लीटर दूध की भैंस है 19-20 लीटर अगर आपका पशु समय पर नया नार बार बार फिरता हो कम दूध देता हो आपको घबराने की जरूरत नहीं है आप अपने पशु को रोजाना न्यूट्री डाइट खिलाओ समय पर नया भी होगा और ज्यादा दूध भी देगा न्यूट्री डाइट को आप एक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं और हाँ इसे आप ऑनलाइन भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए में पर देखा हुआ है आपका ठीक हाँ, है थर्ड लैक्टेशन में पशुधन देखें सिंगों से जरूर थोड़ा सा खुलापन है बाकी लांड पांड काफी जबरदस्त काफी भारी भरकम शरीर बॉडी वेट देखें अर्डर की क्वालिटी देखें टिट स्पेसिंग है वो आप देखें काफी काफी जबरदस्त काफी बेहतरीन जो पशुधन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो 20 किलो दूध पिछले ब्याप की रिपोर्ट आप क्या कुछ इसकी रही है एक बार वो बताएं 19-20 किलो की है 19-20 किलो की, की तो किससे इसको गैबिन करा रखा है कोई आइडिया नहीं कोई आइडिया नहीं है कितना टाइम बचता है सर बच्चा देने में बचता है भैया आठ सात दिन ले लेगी सात से आठ दिन तो क्या कुछ मुलवाओ करेंगे सर इसका कर दें बाबू जी एक लाख पचास हजार एक लाख पचास हजार रूपए में सेल के लिए अवेलेबल है क्योंकि अभी जो ताजा ब्याये हुआ पशुधन काफी कम तादाद में आपको देखने को मिलेगा या तो जो ग्याबिन भैंसे हैं वो आपको देखने को मिलेंगी या फिर जो बाकड़ी भैंसे हैं उनकी डिमांड लेकिन कोशिश कहीं ना कहीं अच्छा पशुधन दिखाने की तो एक लाख पचास हजार रुपए जो कॉस्ट है जो कीमत है वो रखी है फिक्स प्राइस है कम ज्यादा थोड़ा बहुत मान सम्मान हो जाएगा बस मान सम्मान हो जाएगा ठीक है अगला पशुधन है सर बताए ये भी तीसरी बार बच्चा देगी बहुत बढ़िया कितना टाइम बचता है अभी इसका भी एक हफ्ता दस दिन बचता ठीक है दूध की क्या कुछ रिपोर्ट है दूध की प्लस ठीक है अपनी की। है तो कितना एक हफ्ते का जो समय है वो हाँ। थर्ड लैक्टेशन में एक और देखें काफी जबरदस्त सिंगों से जो खुलापन है वो माइनस पॉइंट हाइट देखें अडर की क्वालिटी देखें पीठ आप देखें पहलवानों के जैसा भारी भरकम शरीर एक हफ्ते का जो समय है वो बचता है काफी काफी अच्छा पशुधन वैसे और अगर सींग थोड़े से छोटे होते माथे पे जमते हुए होते तो सोने पे सुहागा हम कह सकते थे काफ़ी काफ़ी बेहतरीन जो अर्डर क्वालिटी है बेहतरीन जो स्पेसिंग है उसके साथ में जो बफलो है थर्ड लैक्टेशन की वो आप देखें तो 20 किलो दूध की भैंसे अगर आप भाइयों को लेनी है तो वो आप यहाँ से लें स्पेसिंग है वो आप देखें और एक हफ्ते में पूरा भरा पूरा जो लेवा है वो ऊपर तक

थर्ड लैक्टेशन में एक और पशुधन आप देखें सिंगों की क्वालिटी से लेकर के हाइट लेंथ जो चेहरा मोरा है वो पीठ देखें बॉडी वेट देखें प्योर जेड ब्लैक टेल में माफी चाहूंगा थोड़े से जो सफेद बाल हैं वो देखने को मिले पैरों के बीच का जो टाइट अडर है वो इस पशुधन में बफलो में आप देख सकते हैं चलने का तौर तरीका जो रोब है वो देखें नसों का जाल है बिल्कुल साफ साफ एक दुधारू पशुधन को यहाँ पे प्रमाणित करता हुआ और काफी जबरदस्त मिल्क विद ब्यूटी आप लोग कह सकते हो खासकर इस तरह के मौसम में ताजा ब्याई हुई भैंसों सौ में से एकाध इस तरह की जो ब्यूटी वाली सुंदरता से भरपूर जो पशुधन है किलो वो आपको देखने को मिलेगा तेईस से चौबीस किलो दूध की खरी खरी जो उम्मीदें हैं खरी खरी जो एक्सपेक्टेशन है वो तो सर क्या कुछ मूल भाव करेंगे इसका इसका करें भैया दो लाख साठ हजार दो लाख साठ हजार रुपये ठीक है अगली बफलो है उसका आ जाए एक बार बताए क्या कुछ डिटेल्स है सर दूसरी बार बच्चा देगी बहुत बढ़िया पहले व्यात में सोलह सत्रह किलो दूध दे रखे ठीक है ठीक है तो, तो इसके दस दिन बाकी हैं। जी क्या कुछ उम्मीद कर रहे हो की बार दूसरे ब्यात में 20 प्लस की तो जोती है 20 प्लस दूध की झोटी तो काफी सारे पशु पालक भाई हैं हमारे या तो सेकंड लैक्टेशन में जो पशुधन है उसकी डिमांड करते हैं या फिर जो फर्स्ट टाइमर झोटी आजकल उसकी सेकेंड लैक्टेशन में जो पशुधन है वो आप देखें दस दिन के करीबन समय बचता है बच्चा देने में आ, कितना 16 किलो दूध फर्स्ट टाइमर ने दे रखे 16-17 किलो जो दूध की है खरी खरी जो रिपोर्ट है वो रही है पशुधन आप देखें ऊपर से पेल्विक बोन के पास से जो लूज स्किन है साफ साफ इस बात को प्रमाणित कर रही है इशारा कर रही है कि बच्चा देने के करीब है एक हफ्ते में और भी जबरदस्त जो भरा पूरा लेवा है वो इस पशुधन में देखने को मिलेगा और ये आप देख सकते हैं चेहरे मोरे की सुंदरता से लेकर के हाइट लेंथ है कद काठी है वो तो जितना भी पशुधन एक वीडियो हमने पहले भी कवर करी थी एक दो वीडियो अजय भाई ने भी पशुपालन विकास मंच पे आपको देखने को मिलेंगी जितनी भी वीडियोस यहाँ से कवर हुई हैं काफी सेलेक्टेड जो पशुधन है वो सुनील भाई क्या कुछ मोलभाव करेंगे इसका इसका करीब दो लाख दस हजार दो लाख दस हजार रुपये तो एक और पहलवानों के जैसा भारी भरकम शरीर का जो पशुधन है आ, निकल करके आएगा क्या कुछ डिटेल्स हैं सर उसकी बताए प्लीज वो दूसरी बार बता देगी बहुत बढ़िया पहली बार में साढ़े उन्नीस किलो दूध काटे पे है वो इसने दे रखा है सेकंड टाइमर जो झोटी है वो तो कितनी इस तरह की झोटिया अपने फार्म पे आई है तो? आप तो पूरा दिन फील्ड में घूमते हो इस तरह की जो इतनी ऊंची तगड़ी जबरदस्त जो झोटिया हैं कितनी आप देखते हो पूरा दिन में पूरा दिन मत एक भी ना मिलती नहीं मिलती कई कई दिन में एक जी। तो, में जी तो सेकंड लैक्टेशन फर्स्ट टाइमर ने 19 किलो जो दूध है साढ़े उन्नीस किलो, किलो दूध की रिपोर्ट रही है और पशुधन आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे ब्रीडरों के पास इस तरह का पशुधन मिलेगा भाई के डेयरी फार्म को चार चांद लगाता हुआ देखें हाइट लेंथ कद काठी शक्ल सूरत इसके बारे में जितना बखान किया जाए उतना कम काफ़ी काफ़ी जबरदस्त जो पशुधन है वो तो कितना समय बचता है इसका इसके बचते हैं भैया सात दिन सात दिन बचते हैं ठीक है एक हफ्ते का समय बाकी है थन पासे हैं नीचे से अडर की क्वालिटी है वो आप देखें और पीठ देखें सबसे जो मायने रखती है पीठ की क्वालिटी आ, चार चांद लगाती हुई सुंदरता को इतनी जबरदस्त जो चौड़ी पीठ का पशुधन है काफ़ी कम देखने को मिलेगा और टिट स्पेसिंग है वो आप देखें क्या कुछ मुलवाओ करेंगे सुनील सर इसका इसका ये पच्चीस किलो की उम्मीद है पच्चीस किलो दूध की आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ठीक है जी पच्चीस किलो दूध देगी ठीक है तब इसको सेल करने का विचार करेंगे तो आज अभी, अभी अच्छा एम उन्तीस ऐसी तो इस बात की भी के लिए कोई उपलब्ध श्योरिटी है हमारे पास के एम उन्तीस मतलब कन्फर्म है ये ठीक है सुनील सर इसको सेल करेंगे अभी अच्छा, नहीं अभी कोई विचार अभी कोई विचार नहीं है तो वैसे दिखा दी आप बता रहे हो कि 25 किलो दूध तुलवा करके जब हाँ, बिल्कुल डिलीवरी कर देगी हाँ, उसके बाद इसको देना आप पसंद करेंगे ठीक हाँ, है तो अभी के लिए ये पशुधन नोट फॉर सेल है और एक और छोटी आई है, है सर बताए क्या कुछ डिटेल्स है बहुत बढ़िया सीधा ले जाए लंबा लंबा चौदह पंद्रह किलो दूध रखे है फर्स्ट टाइमर ने चौदह पंद्रह किलो दूध सेकेंड लैक्टेशन में जो डिलीवरी है वो करेगी छोटा कन्नीदार सिंह है वो आप यहाँ पे देखें हाइट की मीडियम आर्डर की क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं कितना समय बचता है इसका अभी इसका तो दस दिन है दस दिन अभी बचते हैं ठीक है तो क्या कुछ मुलवाओ सर इसका तो एक लाख अड़तीस हज़ार एक लाख अड़तीस हज़ार में सेकंड लैक्टेशन की जो झोटी है वो और देखें दस दिन का समय जो बचता है उसमें काफ़ी काफ़ी अच्छा जो ऑर्डर है काफ़ी बेहतरीन जो स्पेसिंग के साथ वो जबरदस्त इसमें देखने को मिलेगा तो जितनी भी भैंसे जितना भी पशुधन सर के यहाँ से दिखा रहा हूँ ब्यूटी विद मिल्क एक और छोटी है क्या कुछ डिटेल्स हैं इसकी बताएं ये पहले बार बच्चा दिया है फर्स्ट टाइमर कटिया है ठीक है सात दिन की ब्याई है जी लीटर लीटर दूध दूध एक हफ्ते की ब्याई हुई में फर्स्ट टाइमर झोटी ब्यूटी विद मिल्क हम कह सकते हैं छोटा जो सींग है माथे पे जमता हुआ वो आप देखें दांतों में कैसे है जी चार दांतों में चार है ठीक है खोल लें एक बार तो नीचे हेल्दी जो फीमेल काफ है वो भी आप देखें साथ के साथ और पशुधन है फर्स्ट टाइमर जो होती है वो आप देखें काफ़ी बेहतरीन शक्ल सूरत न सिर्फ शक्ल सूरत हाइट देखें पीठ की क्वालिटी है वो आप देखें आर्डर है वो आप देखें पैरों के बीच का टाइट अर्डर काफी काफी बेहतरीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और 10 लीटर जो दूध है हाल फिलहाल में तैयार नीचे हेल्दी जो फीमेल काफ है वो आपको देखने को मिलेगी 15 प्लस दूध की जो एक्सपेक्टेशन है क्योंकि अभी तो महले से लगेगी तो किलो दो किलो दूध तो और भी बढ़ाएगी क्या कुछ मोल भाव है सर इसका एक लाख साठ एक लाख साठ हजार रूपए लास्ट में दो पशुधन और बचते हैं बताएं क्या कुछ डिटेल्स है ये पहले बात में आएगी हाँ जो बीच वाली है ठीक है

फर्स्ट टाइमर जो होती है वो क्या कुछ मोल सर करेंगे एक इसका एक लाख बीस हजार रूपए की सेल कर देंगे तो जितनी भी वीडियोस के माध्यम से जो पशुधन है आपको दिखाते हैं कोशिश है अच्छा पशुधन दिखाने की फिर भी सभी पशुपालक भाइयों से एक ही गुजारिश खुद आए दो बार तीन बार चार बार पशुधन को देख के जांच के परख करके फिर जो अपना अहम फैसला है जो डिसीजन है वो ले और फिर जो अपनी जो जीवन भर की जो गाड़ी कमाई है वो इन्वेस्ट करें तो एक और पशुधन बस्ता है सुनील भाई बताएं ये दूसरी बार बहुत बढ़िया जी इसके एक हफ्ता बाकी है एक हफ्ते का समय बाकी है ठीक है सेकेंड टाइमर एक और झोटी देखें एक हफ्ते का समय बाकी है अडर की क्वालिटी देखें टिट स्पेसिंग है वो आप देखें मीडियम हाइट जरूर लेकिन जो छोटा सींग है माथे पे जमता हुआ वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और वैसे सुंदरता से भरपूर जो पशुधन है फर्स्ट टाइमर में क्या कुछ दूध की रिपोर्ट रही है चौदह पंद्रह किलो 14, 15 किलो दूध की जो रिपोर्ट है वो तो अब की बार क्या कुछ उम्मीद कर रहे हो सेकंड में सत्रह 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 किलो ठीक है क्या कुछ मुल भाव करेंगे सर इसका कर दे एक लाख चालीस हजार एक लाख चालीस हजार रूपए तो बस सिर्फ इतनी भैंसे हैं अपने फार्म पे और भी हैं ठीक है ठीक है तो मोबाइल नंबर बताए प्लीज अठ जी पूरा सात सौ जी सत्तालीस जीरो दो ठीक है एक ही नंबर है सतासी जीरो सतासी जीरो सतासी चौबीस सात सौ इक्यावन तो आज की वीडियो थी डिस्ट्रिक्ट रोड तक से सटा हुआ लास्ट गांव है बहनी भैरव जितना भी पशुधन 20 प्लस दूध की काफी शानदार भैंसे हैं यहाँ सेल के लिए अवेलेबल है इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रही है डायरेक्टली आप इनसे संपर्क कर सकते हैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार धन्यवाद जय जवान जय किसान